जानिए औरतों की सबसे बड़ी सेक्स समस्याओं के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। पुरुष मेल्स, उनकी सेक्स समस्या सबको मालूम है, उसके बारे में चर्चा होती है। फीमेल को ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है कि भाई उसका इस्तेमाल करना है, उसकी कोई बीमारी है, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, इसलिए फीमेल के सेक्स समस्या के बारे में चर्चा नहीं होती। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि सेक्स मतलब ये पुरुष की समस्या है, स्त्री की समस्या ही नहीं है, स्त्री की समस्या हो ही सकती नहीं। तो सब जो है वो ये प्रक्रिया जो है सेक्स की, उसका कर्ता जो है वो है पुरुष, और कुछ भी हुआ तो भी पुरुष को दोषी माना जाता है, पुरुष की पिटाई होती है। मतलब कोई अनैतिक संबंध भी है और वो पकड़े गए तो पुरुष की पिटाई होंगी कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। अरे वो लेडी ने जब कोऑपरेट किया तभी सेक्स हुआ ना, वो तो चिल्ला ही नहीं, उसने तो कोऑपरेट किया तभी वो इंसर्शन कर पाया। मगर पुरुष की पिटाई होती रहती है, उसके लिए पुरुष को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पुरुष की प्रक्रिया ऐसा माना जाता है। यदि कोई महिला इसके बारे में बोलती है कि मुझे सेक्स नहीं है या इच्छा नहीं है, और उस वो कभी कोई डॉक्टर से बात करती है, तो उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल आ जाता है कि इसका कैरेक्टर कैसा है, ऐसी कैसी बात कर सकती है, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे कि उसने बोलना नहीं है कोई लेडी ने। औरतों को कोई दवाई है कि जिससे उनकी इच्छा होंगी, जिससे उनको डिजायर हो जाएंगी, तो ऐसी कोई दवाई, उसके कोई विज्ञापन ऐसा आपको कोई अखबार में दिखेगा नहीं, और ऐसे कोई दवाखाने दिखेंगे नहीं कि औरतों की सेक्स समस्या उसके बारे में दवाखाने। औरतों को ना शीघ्र पतन होता है ना स्वप्न दोष होता है, मगर ये सब होने के बावजूद भी औरतों को प्रॉब्लम है, मगर वो बोलती नहीं कि हमारे कल्चर में, संस्कृति में औरत ने बोलना नहीं चाहिए। हालांकि सबसे बड़ी समस्या औरतों को ये होता है कि उनको दर्द होता है सेक्स करने के समय, तो दर्द के लिए दवाई है। अभी मेरे पास में एक लेडी का फोन था कि भाई उसको दर्द होता है, और दूसरा उसको समस्या थी उसको गीलापन नहीं आता है, और उससे फिर और ज़्यादा दर्द होता है। तो बहुत बड़ी समस्या है, फिर गीलापन क्यों नहीं आता, दर्द क्यों होता है, क्योंकि अभी उसकी इच्छा ही नहीं है सेक्स करने की, सेक्स डिजायर नहीं, लिबिडो नहीं है। अब लिबिडो क्यों नहीं है, तो फिर उसके दिमाग के ऊपर टेंशन है, एंग्जाइटी है, तान तनाव है। फिर हमारे संस्कार ऐसे होते हैं कि नहीं, बच्चे हो गए ना अभी क्या सेक्स, मतलब बच्चे के लिए है, अभी बच्चे हो गए, दो बच्चे हो गए अभी क्या सेक्स का, उसमें क्या पढ़ा है, मतलब इस तरह का संस्कार है। बचपन में ये लेडी ने अपने माँ बाप को झगड़ते हुए देखा है, प्यार करते हुए कभी देखा ही नहीं, मतलब माँ बाप पास में बैठे हैं और प्यार कर रहे हैं ऐसा कभी दिखाई देता है नहीं, झगड़ रहे वो दिखाई देता है, तो एक संस्कार वो है। उसको सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, किसने अत्याचार बलात्कार किया है वो बच्चे के ऊपर, बच्ची के ऊपर, मतलब बचपन में, तो फिर उसको एकदम दहशत बैठी हुई है। तो ऐसे कुछ कारण रहते हैं कि जिसकी वजह से उसकी इच्छा होती नहीं है, डिज़ायर बिल्कुल ही नहीं है, उसको एक्साइटमेंट नहीं आता है, उसको घृणा है इसके बारे में। काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी कि वो शादी भी नहीं करती, बोलते नहीं मेरे को सेक्स में इच्छा ही नहीं है, घृणा है मेरे को, बिल्कुल नहीं, मेरे को अच्छे लगते नहीं है, आदमी अच्छे लगते नहीं है, मतलब ऐसी इतनी घृणा है उनको। तो क्या हुआ, जब मालूम पड़ता है तो फिर कुछ ना कुछ निकल आता है अब्यूज़। अभी एक लड़की मेरे पास में आई थी, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे, और उनको इच्छा ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा ऐसा बोल रहे। मगर फिर मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप देखो जाओ बचपन में, बचपन की याद करो, क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर दो विजिट के बाद में जब वो मेरे पास में आया काउंसलिंग के लिए, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं मेरे दादाजी के यहाँ जा रही थी, और वहाँ मुझे हमारे ड्राइवर ने छोड़ा था, करीब करीब 250-300 किलोमीटर का रास्ता था। ड्राइवर ने क्या किया कि आगे जाने के बाद में, ये करीब करीब 8-9 साल की होंगी, आगे जाने के बाद में कुछ हाईवे पे लग गया, तो वहाँ उसने गाड़ी रोक दिया, इसके साथ में जातिया की, उसको किस किया, उसको पकड़ लिया, उसको छेड़खानी किया, और वो इतनी डर गई कि उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और उसको धौंस दिया ड्राइवर ने कि तू बोलेंगी तो देख लेना तेरे को मार डालूंगा। जब वो गई घर पे, पहुंच गए जब ये ड्राइवर उसको लेके, तो इतनी वो डरी हुई थी, वो रोने लगी, मगर उनको लगा कि भाई पता नहीं क्या कारण है। और वो जो हादसा उसके दिमाग में हुआ इतना था कि शादी के बाद में वो अपने पति को हाथ लगाने नहीं दे रही। तो इस तरह का ये प्रॉब्लम रहता है। तो औरतों के प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है वो देखना चाहिए, उनके साथ में बातचीत करनी चाहिए, और वो भी सेक्स एंजॉय करते कि देखना चाहिए, तो फिर उसके लिए काउंसिलिंग है,
कंसल्टेशन साइकोथेरेपी है, हम हिप्नोथेरेपी करते हैं और बच्चों को अच्छा करते थे। काफ़ी बच्चे आते हैं, मतलब एकदम नई नई शादी हुई है और मैं उनको बच्चे ही बोलता हूँ कि 25-26 साल 28 साल के हैं लड़के लड़कियाँ, और साल भर हुआ और उनको सेक्स ही नहीं हुआ क्योंकि उनको डर है सेक्स करने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो ताकि काफ़ी सारी डिवोर्सेज जो है बच जाएंगी और लोगों के जो मैरिड लाइफ है जीवन सांसारिक जीवन वो अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ शराबी है, उनको बिना रिश्ता रहने की व्यवस्था है। शराबी मंदबुद्धि के लोग, वायलेंट लोग, मारपीट करने वाले, रिसार उनके साथ में हम भर्ती करते हैं, रिसार उनके अलावा भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो और आपके जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में कंसल्टेशन करके समस्या का हल निकाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।